पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी और लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अवाम पर अपनी मजबूत पकड़ रखने के साथ गंभीर मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले डॉक्टर बर्क ने निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो कई दिन से उपचाराधीन थे और गंभीर हालत के चलते पिछले दिनों अखिलेश यादव भी मुलाकात करने आए थे। डॉक्टर बर्क पांचवी मर्तबा सांसद थे, तब चार मर्तबा विधायक और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे थे। बर्क साहब को सब मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर से ग्रसित थे। हमारे यहाँ करीबन एक महीने के आसपास से एडमिट थे। कई बार उसमें ठीक हुए, कुछ गिरावट आई, लेकिन आज मॉर्निंग में ही सकम टू दैट। मैक्सिमम लाइफ सपोर्ट पे थे, वेंटिलेटर था, पेसमेकर लगा, सारी दवा चल रही थी। अभी तीन महीने पहले भी एडमिट हुए थे, चार पाँच दिन के अंदर वो आराम हो गया था, चले गए थे। अभी इस बार जो था ऑलमोस्ट एक महीना हो गया। यहाँ पर जो आए थे उससे पहले मेदांता में थे। तो मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर जो परेशानी होती है उसमें, उस उम्र में थोड़ी एज वाली बात भी थी, तो नतीजे बहुत कम निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, सब परिवार वाले सब लोग सब साथ में लगातार रहे होंगे, वो भी समझ रहे थे कि उम्र को लेकर परेशानी इनकी है। जो बेस्ट हो सकता था किया गया सभी की तरफ से, लेकिन जो डेस्टिनी होती है उसके आगे जो है हर एक को मस्तक होना पड़ता है। लोगों के समय आज आज मॉर्निंग में सब करीबन 9:30 के बीच में। तो क्या इनकी तबीयत पहले से सुधार हो रही थी? तबीयत में कई बार सुधार हुआ, फिर गिरावट आई, सुधार हुआ, गिरावट आई। लेकिन जो क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन काफ़ी जो शरीर के वाइटल ऑर्गन से सभी में असर था, पहले उनको हार्ट की परेशानी रही थी, बाईपास भी इनका हो चुका था, तो इसी वजह से परेशानी हुई। सेप्टिसीमिया सेटिन हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे थे। उनके सपोर्ट थी हर ऑर्गन के लिए, जो भी हो सकता था कुछ किया जा रहा था, तो उस पर बीच बीच में रिस्पॉन्स आया, कई बार ठीक से भी हुए, लेकिन फिर आखिर में द रिजल्ट वॉज नॉट गुड। एंड इस उम्र में यूजुअली इस बीमारी में नतीजे नहीं निकलते। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।